देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत। भोपाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अप्सरा रेस्टोरेंट में की गई। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह रसोनिया ने कहा कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूर्व की भाजपा सरकार की तर्ज पर काम कर रही है। प्रदेश सरकार शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अधिवार्षिकीय आयु जो वर्तमान में 62 वर्ष है उसको बढ़ाकर 63 वर्ष करने जा रही है, जबकि पूर्व में भाजपा सरकार ने 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी। इस संबंध में संघ का मानना है कि प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने वचन पत्र में प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का वचन दिया गया था। पिछले वर्ष में बेरोजगारी बढ़ने से अपराध संख्या में वृद्धि हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि रिक्त स्थानों पर विकलांगों की भर्ती की जाए। वहीं उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार शिक्षा स्वास्थ्य और बेरोजगार को अनदेखा कर रही है। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह रसोनिया, प्रदेश महासचिव टीकाराम अहिरवार, प्रदेश प्रवक्ता मेहरबान सिंह, कोषाध्यक्ष दिनेश अहिरवार सहित अनेक युवा संघ के पदाधिकारी मौजूद थे। जो कांग्रेस 20 साल बढ़ा रहे उसके लिए मैं राम सिंह रसोनिया, प्रदेश अध्यक्ष नाजी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने किस चीज को लेकर? आज प्रेस वार्ता हम लोगों ने शासन का ध्यान इस बेरोजगारी की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं, क्योंकि जो पूर्व सरकार द्वारा 60 वर्ष से 62 वर्ष आयु सीमा की गई थी उसमें कहीं युवा ओवर एज हो गए। उसी तर्ज पे आज हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी उसको 62 को 63 वर्ष किया जा रहा है, तो इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और सरकार द्वारा कहा जाता है कि हमारे पास बजट की प्रॉब्लम है, तो हम लोग कहना चाहते हैं कि सरकार ये सिर्फ बहाना है, बजट की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज जिस व्यक्ति को आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं उसी पैसे में आपको 4 युवा रोजगार से लग जाएंगे, 4 परिवार रोजगार से लग जाएंगे। और जैसे कि वो कहते हैं बजट की समस्या है, हमारा मानना ऐसा है कि आदमी जब तक रिटायरमेंट होता अधिकारी कर्मचारी तब तक वो अपने पैसे कोई GPF के माध्यम से, कोई बच्चों की शादी के लिए, कोई मकान के लिए, कोई अपने अन्य खर्चों के लिए वो GPF के माध्यम से निकाल लिया जाता है, तो लास्ट में कोई ऐसा पैसा नहीं बच जाता है। लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ युवाओं को भटकाने का काम कर रही है, युवाओं को रोजगार देने से दिव्यांगों के लिए भी आप मांग कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग मांग कर रहे हैं। कितने पदों के लिए मांग कर रहे हैं दिव्यांगों? हम लोगों ने मांग की है जितने भी शासकीय के कार्यालयों में जो खाली पद भरे हैं खाली पड़े हैं उनको भरा जाए, और ये इनके मांगे पत्र में भी था, लेकिन शासन का आज 1.5 वर्ष अधिक हो गए हैं लेकिन अभी तक इन लोगों का कोई प्रतिक्रिया हम लोगों को समझ नहीं आ रही है। तो हमें लगता है कि युवाओं को भटका रही है सरकार और सिर्फ अपने स्वार्थ में इधर से उधर ट्रांसफर करने में लगी हुई सरकार। क्या करने जाएंगे आगे, आपका क्या कदम उठाएंगे? हम लोग युवाओं तक पहुंचेंगे, और आ रहे हैं अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, हम ये युवाओं तक पहुंचाएंगे कि भैया हम लोगों के साथ कैसे सरकारें खिलवाड़ कर रही हैं, आने वाले समय में उनको इसका जवाब देंगे वोट के माध्यम से। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।